जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दोनों को 1 घंटा जाकर हीना साहब और ओसामा से जाकर मुलाकात करनी पड़ी। स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब की बच्ची की शादी जो हुई उसमें तेजस्वी यादव भी गए और तेज प्रताप भी गए। क्या डील हुई? MLC बन रही हैं हीना साहब? नहीं, कोई ऐसी डील नहीं। तो उस कारण को हम लोग को भी नहीं समझ में आया, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझ में नहीं आया खुद। फाइनल ये माना जाए कि फिर से शहाबुद्दीन का परिवार और RJD यानी लालू परिवार एक हो गया? आप उस लेबल सूट के बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो दूसरे को भी तो चांस मिलना चाहिए। अकबर के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद पर पोता, ऐसा नहीं है। एक ही परिवार जो उस लेबल पर उठ चुका है, बार बार परिवार चेंज सिस्टम से है। बल्कि चिराग जी अपना गिलास अलग रखते हैं और वो अपर कास्ट जो ब्राह्मण की बात करो वो बेचारा गेट पर खड़ा रहता है। नरेंद्र जी मोदी खुद अति पिछड़ा से आते हैं, उन्होंने मंदिर के अंदर पूजा की और उन्होंने क्या कहते हैं वो स्थापित किया, अपने मूर्ति को स्थापित किया उन्होंने। पूरी जिंदगी वो लोग खड़े रहे RJD के साथ। 30 साल के अंदर में 1 महीने में टंडन हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार टूट गया, फिर परिवार एक हो गया। अब वो देख रहे हैं कि जो दलित परिवार है वो दूसरा ऊपर नहीं आवे, कहीं इनको तो अब जनरल सीट में इनको तो अब रिजर्वेशन का कोई जरूरत ही नहीं। चिराग जी हम नहीं समझते कि चिराग जी उस लेवल से उठ गए। देखिए अभी हमारे साथ RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल दोजाना जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। दोजाना जी, आखिर RJD डर गई है क्या? जो भी लोकसभा का परिणाम आया उससे जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दोनों को 1 घंटा जाकर हीना साहब और ओसामा से जाकर मुलाकात करनी पड़ी, चर्चा तो यही है कि लालू प्रसाद यादव डर गए हैं शहाबुद्दीन के प्रभाव से। ऐसी कोई बात है नहीं। शहाबुद्दीन RJD जब बनी थी तो उसके फाउंडर मेंबर थे। शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, डेथ किए, तो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो कारण क्या था वो पता नहीं। लेकिन जो हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के लोग फाउंडर थे, ब्लड में राष्ट्रीय जनता दल ही थे, ठीक है, रूठे हुए थे फिर। अरे रूठे हुए थे तो मना भी तो सकते थे, पहले भी तो मना सकते थे ना अब्दुल दोजाना जी। देखिए तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकले थे तो सिवान भी गए थे, पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया था, वो उस सवाल को टाल गए थे, वो जाकर नहीं मिले थे। और यही नाराजगी थी उस परिवार की कि इंतकाल के बाद कोई भी लालू परिवार का सदस्य जो है वो उनके आवास पे मिलने के लिए नहीं गया। लेकिन निर्दलीय लड़ी लोकसभा में, जो भी अगल बगल की सीटें अफेक्ट हुई, तब तो यही माना जाए ना कि लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी यादव हों, वोट के लिए फिर से शहाबुद्दीन के परिवार के पास जा रहे हैं। ऐसी बात ये जो आपने क्वेश्चन किया कि शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने नहीं गए, तो शहाबुद्दीन आपके स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब की बच्ची की शादी जो हुई उसमें तेजस्वी यादव भी गए और तेज प्रताप भी गए, कैसे नहीं गए? अभी खोजेंगे कि लालू यादव तो बेचारे खुद हॉस्पिटल में, उस समय ऐसा हॉस्पिटल में थे और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो एम्स के बाद उनको सिंगापुर जाना पड़ा था, जबकि बेचारे वो बेड ही पे थे। लेकिन उनके ऑन बिहाफ में उनके बच्चे तो गए, जो अभी आज के डेट में RJD के सर्वे सर्वा हैं, तेजस्वी यादव जी जो बिहार के पार्टी के अपोजिशन लीडर भी हैं और पार्टी के एक लीडर हैं, जो उनके नेतृत्व में सारे लोग बिहार के लोग काम कर रहे हैं, बिहार की जनता उनके साथ है, बिहार के सारे वर्कर्स हैं वहाँ पर, सीनियर जूनियर नहीं, लीडर इज़ लीडर, जिसको लीडर मान लिया तो उसमें सीनियरिटी या जूनियरिटी नहीं होती। अच्छा ये बताइए ना, क्या डील हुई? MLC बन रही हैं हीना साहब? नहीं, कोई ऐसी डील नहीं, कोई डील नहीं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कल भी थे, आज भी थी, लेकिन कारण था रूठने का। अरे मानते हैं ना कारण था रूठने का। हाँ, कारण यही बेसलेस कारण, जो उस कारण को हम लोग को भी नहीं समझ में आया, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझ में नहीं आया, खुद उनको समझ में नहीं आया हीना साहब को कि हमने क्या गलती कर दी। लेकिन ये गलतियां नहीं होती हैं, इसको गलतियां नहीं मानेंगे। चलिए ये सब चीज़ होता है, कल को जो आदमी होता है घर में, एक ही घर में 2-4 परिवार रहता है तो टनटुन होता रहता है, 5 दिन 6 दिन कितना दिन। अब टनटुन ख़त्म हो गया। फाइनल ये माना जाए कि फिर से शहाबुद्दीन का परिवार और RJD यानी लालू परिवार एक हो गया है? हाँ, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है।
कोई इफ एंड बट नहीं है। तो अब आप लोग के साथ पूरी मजबूती से साहबुद्दीन का परिवार हिना साहब या उसामा खड़े हैं, पूरी जिंदगी वो लोग खड़े रहे आरजेडी के साथ, कुछ चंद महीने नाराजगी थी चंद महीने में, इसका मतलब नहीं कि पुराने वो जो चले आ रहे 1990 से टिल अभी तक, तो 1990 से लेके अब तक 30 साल जो होने जा रहा है, 30 साल के अंदर में एक महीने में टंटून हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार टूट गया, फिर परिवार एक हो गया। अच्छा, टंटून किसकी आपने बात की, टंटून एनडीए में भी हो रहा है, और मुद्दा है आरक्षण में जो कोटे की बात सामने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद चिराग पासवान का कुछ और बयान है, चिराग पासवान कह रहे नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो जजमेंट दिया वो सही नहीं है, और जीतन राम मांझी सही बता रहे हैं। देखिए, न्यायालय का मामला था, न्यायालय का फैसला को हम लोग मानते हैं, जैसे कि न्यायालय जो फैसला करी है तो उसको मानना है, फिर न्यायालय के फैसला को नहीं मानिएगा तो फिर न्यायालय रहा नहीं, फिर तो आपकी डिक्टेटरशिप हो गई, हर के ऊपर एक न्यायालय। हाँ, चिराग जी का अपनी दिक्कत हो रही है कि वो जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं तो अब वो देख रहे हैं कि जो दलित परिवार है वो दूसरा ऊपर नहीं आवे, चिराग जी के मुकाबले में नहीं है, तो उनकी लगी हुई है कि जैसे हाजीपुर में बार बार खड़े हो रहे परंपरागत सीट बनाए हुए हैं, अब तो कोई दूसरा दलित वहाँ पर खड़े हो गए, इनको तो अब जनरल सीट में, इनको तो अब रिजर्वेशन का कोई जरूरत ही नहीं। चिराग जी, हम नहीं समझते कि चिराग जी उस लेवल से उठ गए, रिजर्वेशन उसी को ना कमज़ोर हुआ हर तरह से, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया, ये कमज़ोर तबका थे उठ गए, और कब को उठ के थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि ठीक है दूसरा दलित आएगा, तीसरा दलित आएगा उस सीट पे, जो बेचारा अभी बैठा हुआ इधर उधर बेचारा उस क्रीमी लेयर में नहीं है, इन लोग तो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, अब तो इन लोगों को वो सीट से हटके जनरल सीट में लड़ना चाहिए। चिराग कहते हैं कि अभी छुआछूत कहाँ ख़त्म हुई है, अनटचेबिलिटी को आधार बता रहे हैं कि अभी जो अगर मंदिर जाता है वो वर्ग तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है, चिराग पासवान इस बयान को आधार बना रहे हैं। कहाँ, हम तो नहीं देख रहे, आजकल नरेंद्र मोदी जी तो देख रहे हैं कि वोट बैंक के लिए दलित को भी मंदिर में पूजा करा रहे हैं क्या, अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी पूजा कर दी है, अब बड़े बड़े ब्राह्मण बेचारे बाहर रहे, और ये नरेंद्र जी मोदी खुद अति पिछड़ा से आते हैं, उन्होंने मंदिर के अंदर पूजा की और उन्होंने क्या कहते हैं वो स्थापित किया, अपने मूर्ति को स्थापित किया उन्होंने, तो ये चिराग जी की ये बेवकूफ़ी, अब वो ज़माना चला गया कि छुआछूत वाला, अब सब बराबरी की बात कर रहा, खुद चिराग जी के यहाँ जो उनकी पार्टी में जो लोग हैं क्या उनके यहाँ गिलास में पानी नहीं पीते हैं, या उनके सोफा पर नहीं बैठते, उनके बगल में नहीं बैठते, बल्कि चिराग जी अपनी अपना गिलास अलग रखते हैं, और वो अपर कास्ट जो ब्राह्मण की बात करो वो बेचारा गेट पर खड़ा रहता है, गेट पर खड़ा रहता है, बराबरी की बात करो तो उसको आपको बैठाना चाहिए, वो तो आप बेचारा पुर्जा लगा करके खड़ा है इंतजार में, पंडित जी बैठे हुए हैं, भूमियार भाई खड़े हैं, तो आप तो अपने बराबरी का मुकाबला नहीं दे रहे, आपके बगल में कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकता है, तो आपने कैसी बात कर रहे हैं कि छुआछूत और मंदिर में क्या आप जाते नहीं पूजा करना है, यानी आप मानते हैं कि चिराग पासवान जो भी स्टैंड ले रहे हैं अपने फायदे के लिए ले रहे हैं, सिर्फ उनका सेल्फ बेनिफिट है कि उनकी सीट रिजर्व रहे, इससे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा दिया डिसीजन कि जो बेचारे दलित गरीब हैं, जो दलित हैं, जो अभी उस लेवल पे नहीं है, तो उनको उठाने के लिए उनको रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहिए, एक ही परिवार जो उस लेवल पर उठ चुका है, बार बार परिवार चेंज सिस्टम से है, अब्बा है, बेटा है, बेटे है, पोता है, नाती है, ये क्या सिलसिला है, ये अकबर का राज है क्या कि अकबर के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, ऐसा नहीं है, तो वो बेचारा दलित का दलित ही रहा, फिर रिजर्वेशन जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जो दिया हुआ है कि हर लोगों को रिजर्वेशन, रिजर्वेशन क्यों दिया गया, रिजर्वेशन इसलिए भाई जो दबे कुचले छोटी जात जो लोग कहते हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया, वो सिर्फ परंपरागत बैठे हुए लोग, एक ही परिवार के लोग, आप उस लेवल से उठ के बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो दूसरे को भी तो चांस मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बारीकी पकड़ लिया है, इसी पर डिसीजन दिया कि एक ही परिवार के लोग दलित के नाम पर बेनिफिट उठा रहे, दूसरा दलित रोड पर भीख मांग रहा है, क्यों नहीं वो दलित उस जगह पर जाए, आपको ठीक है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके आप उस लेवल पर चले गए,
अब तो वो जगह से आप हट के आपको जनरल में आ जाना चाहिए ना, आज जो दलित है बेचारा उस जगह पे आ जाना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ अब्दुल रोजाना थे जिन्होंने कहा कि दूरियां मिट गई हैं। दूरियां किसकी मिटी हैं? लालू परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार में टन टुन हुई थी चुनाव में और उसका नतीजा हम सब ने देखा, लेकिन वो जो दूरी है वो मिटा ली गई है। किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है कि हिना साहब और उनके बेटे ओसामा पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और चिराग पासवान को लेकर भी अब्दुल रोजाना ने निशाना साधा है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।